नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, पिछले वीडियो में हमने वचन के बारे में पढ़ा था और अब आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए क्रमिक रूप से चलते हैं लिंग की तरफ। लिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर, यह वो इकाई है जो स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर करती है, जिससे पता चलता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष। ठीक, तो इसलिए जो है सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, जिससे किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या होता है? जिससे किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, उसे क्या कहते हैं? जेंडर या लिंग कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, संस्कृत में तीन लिंग हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जो है, लेकिन हिंदी में लिंग दो हैं। एक्चुअली संस्कृत में तीन लिंग क्या थे, उन्होंने क्या किया, पहले जो है सभी संज्ञाओं को दो भागों में बांटा, जो है बांटा जड़ और चेतन में। जड़ और चेतन का मतलब है कि वे जो गतिशील होती हैं, जो गतिशील नहीं होते। उन्होंने क्या किया, चेतन को पुलिंग और स्त्रीलिंग में बांट लिया और जो जड़ थे उन्हें उठा करके इकट्ठा नपुंसक लिंग बना लिया। लेकिन जब हिंदी में लिंग निर्णय की बात आई, हिंदी के व्याकरणों ने जब लिंग निर्णय की बात देखी, तो इनको ये लगा कि जिसे संस्कृत वालों ने नपुंसक लिंग में रखा है, यदि प्रयास किया जाए तो उन्हें भी पुलिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित किया जा सकता है। तो इसलिए हिंदी वालों ने क्या किया कि जो संस्कृत के नपुंसक लिंग थे उन्हें जो है पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में विभाजित कर दिया और इस तरह से नपुंसक लिंग नाम की तीसरी अवधारणा को समाप्त कर दिया गया और हिंदी में लिंग बचे दो, पुलिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए देखते हैं पुलिंग किसे कहते हैं और दूसरी चीज देखते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। देखिए, पुलिंग, पुलिंग, पु से पुरुष, पु से पुलिंग और स्त्री से स्त्रीलिंग, सीधी सी बात है, एकदम आसान है। जिससे किसी संज्ञा के पुरुष होने का, मेल होने का पता चलता है उसे पुलिंग कहते हैं। मतलब जिससे ये पता चले कि ये संज्ञा पुरुष है या मेल है। जैसे लड़का, लड़का क्या है? पुलिंग है। पेड़, विद्यालय, तारे, ये सब पुलिंग है। अब आपके मन में एक बात उठी होगी, आपको लगता होगा कि चलिए यहां तो लिख दिया जो है सर ने, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये पुलिंग है? तो मित्रों, सबसे पहला नियम यही सीख लीजिए लिंग निर्णय का, जो 90% तक अकेला काम करेगा। क्या? जब भी किसी शब्द का लिंग निर्णय आपसे पूछा जाए तो तत्काल आपको एक काम करना है कि आपको वहां जो है उस शब्द के साथ एक ऐसी क्रिया रखनी है। गौर करिएगा, केवल शब्द रखना है और क्रिया रखनी है, और क्रिया ऐसी रखनी है जो पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में बनती हो। मतलब ऐसी क्रिया नहीं जैसे कॉमन क्रिया कि आप चलिए, अब पता ही नहीं चल रहा है कि पुरुष को कह रहे हैं कि स्त्री को कह रहे हैं ना? ऐसी क्रिया रखनी है जो पुलिंग भी बनती हो और स्त्रीलिंग भी बनती हो। अब हमें वहां तत्काल एक काम यह करना है कि यह देख लेना है कि जो क्रिया हम शब्द के साथ रख रहे हैं, पुलिंग वाले के साथ शब्द का जोड़ा ज्यादा अच्छा बन रहा है कि स्त्रीलिंग वाले के साथ, और जिसके साथ अच्छा जोड़ा बना उसका वही लिंग होगा। जैसे एक बात बताओ बेटे, आप लड़का खड़ा है कि लड़की खड़ी है, सॉरी, लड़का खड़ा है कि लड़का खड़ी है? लड़का खड़ा है, स्वाभाविक सी बात है। तो लड़का के साथ हमने खड़ा और खड़ी क्रिया लिया, भाई खड़ा क्रिया लिया, उसकी स्त्रीलिंग भी होती है खड़ी। अब देख, हमने प्रयोग करते ही ये देख लिया कि लड़का खड़ा है, ये शब्द शुद्ध है, इसका मतलब लड़का पुलिंग है। पेड़ बड़ा है कि पेड़ बड़ी है? पेड़ बड़ा है। विद्यालय खुला है कि विद्यालय खुली है? विद्यालय खुला है। तारे चमकते हैं कि तारे चमकती हैं? तारे चमकते हैं। तो सीधी सी बात है, लड़का, पेड़, विद्यालय, तारे, ये क्या है? पुलिंग है। उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं स्त्रीलिंग की ओर। जिससे किसी संज्ञा के स्त्री होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसे पता चले कि ये स्त्री है, फीमेल है, वो स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे नदी, हवा, लड़की, रात। नदी क्या है? नदी बहती है। हवा क्या है? हवा चलती है। लड़की क्या है? लड़की खड़ी है।
रात क्या है? रात हुई कि हुआ? रात हुई, सीधी सी बात है। रात काली है कि काला है? काली है। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, बहुत आसान तरीका मैंने बताया। 90% प्रश्न केवल इसी एक तरीके से सॉल्व होते हैं। इसे कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो शब्द दिया गया है, जिसका लिंग पूछा गया है, उस शब्द के साथ एक ऐसी क्रिया रखनी है जो पुल्लिंग भी बनती हो और स्त्रीलिंग भी बनती हो। अब हमें करना क्या है, उस शब्द के साथ प्रयोग करके ये देख लेना है कि पुल्लिंग वाली क्रिया उसके साथ सही बैठ रही है या स्त्रीलिंग की। यदि पुल्लिंग की सही बैठ रही है तो वो शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग की सही बैठ रही है तो वो शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं लिंग निर्णय पर। देखिए मित्रों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम किताबों से देख करके तीन बोर्ड भर दें, ये आ होता है तो ये होता है, त होता है तो ये होता है, इकारांत होता है। इन चीजों को आप इसी केवल एक नियम से कर सकते हैं। हाँ, हमने यहां क्या किया है, संस्कृत और हिंदी के अपवादों को लिख दिया है। इन शब्दों को दिमाग में रखिएगा। और देखिए, सबसे मूल रूप से आपसे क्या पूछी जाती है, सबसे मूल रूप से आपसे पूछा जाता है अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग निर्णय। ठीक है, तो हम उसको एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। हिंदी और संस्कृत का हमने काम किया है, तो आइए देखते हैं संस्कृत पुल्लिंग शब्द। संस्कृत पुल्लिंग शब्द में अपवाद है शशि मुनि रवि पति गिरि वारी जलधि पाणी अद्रि बलि। बलि शब्द पर प्रयोग करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रायः लोग ये कहते हैं बलि दी गई ना, लेकिन बलि अगर पुल्लिंग है तो इसका मतलब बलि दिया गया, न कि बलि दी गई। ठीक है, बाकी चीजें आप देखिए। शशि, शशि का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा सदैव पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। भाई शशि सुंदर, शशि चमकता है कि चमकती है, चमकता है, सीधी सी बात है। तो इस तरह से मुनि आए हैं कि आई हैं, आए हैं। तो इस तरह रवि उगता है कि उगती है, उगता है। तो आप प्रयोग इसी आधार पर इन्हें भी सिद्ध कर लेंगे। बलि पर जोर दीजिएगा, बलि को दिमाग में बिठा लीजिएगा। हिंदी तद्भव स्त्रीलिंग में केवल दो देखना है, उड़ान और चट्टान। चट्टान बड़ा है, बड़ी है, बड़ी है तो सीधी सी बात है स्त्रीलिंग है। उड़ान हुआ कि हुई, हुआ, सॉरी हुई, उड़ान हुई, उड़ान हुई तो स्त्रीलिंग है। कुछ नहीं है लिंग में, कुछ नहीं है, केवल एक तरीका जो मैंने बताया वही अपनाइए। और प्लस सबसे बड़ी बात है, अपने को प्रयोग के लिए कॉन्फिडेंटली तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए कि कैसे ये कोई शब्द आपके दिमाग में आ जाए। चल रहे हैं, पेड़ दिखा, तारा दिखा, हैंडपंप दिखा, गाय दिखी, बैल दिखा, तुरंत देखिए कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। फटाफट क्रिया रख के प्रैक्टिस में अपने को महारत हासिल कर लीजिए। 90% क्वेश्चन यहीं अकेले एक नियम से सॉल्व होते हैं। आइए हम चलते हैं हिंदी तद्भव पुल्लिंग शब्दों की ओर। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, इसमें कई शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये दही साहब ही हैं ना, क्योंकि आप नॉर्मली जानते हैं दही शब्द का प्रयोग गांव में हम अक्सर स्त्रीलिंग में करते हैं। दही खट्टी है, दही जम गई, लेकिन दही पुल्लिंग है। ठीक है, दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। इस बात को विशेष रूप से आप गौर करिएगा। एक बार बताने में कई बच्चों को असहज लगता है, उनको लगता है गुरुजी ऐसे बक के चले गए हैं, लेकिन मैं बार बार बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा दही शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। और बहुत पूछा जाता है दही घी जी मोती हाथी, ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। तो दही जी मोती घी, ठीक है, आगे हाथी भी आएगा इसमें, भात 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 पका की पकी, पका, सीधी सी बात है पुल्लिंग है। खेत सूत गात, गात माने शरीर, शरीर बड़ा है बड़ी है, गात बड़ा है शरीर। दांत दांत टूटा की टूटी, टूटा। आंसू गिरा की गिरी, गिरा, ठीक। आलू आलू पका की पकी, पका। तो आप इनका प्रयोग कर लीजिएगा इनमें। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं दही जी मोती घी गेहूं ना, नाच, नाच का प्रयोग हम अक्सर गलत करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं नाच हुई, नाच हो रही है, लेकिन नाच पुल्लिंग है, याद रखिएगा, नाच हुआ, नाच हो रहा है, प्रयोग संभाल लीजिएगा आज से। मेल बिगाड़, लो हम अक्सर कहते हैं उनसे बिगाड़ हो गई,
बिगाड़ पुलिंग है, ठीक है। तो दही जी मोती घी एक छूटा था, ये भी लिख लीजिएगा मित्र, हाथी घी जी दही मोती हाथी नाच मेल बिगाड़, ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये हिंदी के पुलिंग शब्द हैं। अब आइए इस जो है हिंदी के पुलिंग बस यही देखना है हमें। अच्छा अब इसके बाद जो है चलते हैं अप्राणीवाचक पुलिंग शब्द। अब यहीं से हमें मेन लिंग पढ़ना है, बाकी मैंने आपको तरीका बताया और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन्हें दे दिया। अब मेन लिंग निर्णय यहां से करना है। आइए एक एक नियम उठाते हैं और देखते हैं किसका क्या अपवाद है। शरीर के अवयवों के नाम पुलिंग होते हैं, शरीर के अवयव अर्थात शरीर के अंग, ठीक, मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जो शरीर के अंग हैं वो प्रायः पुलिंग होते हैं। कान, मुंह, अंगूठा, नाखून, दांत, ठीक है, बाल, हाथ, ना पैर, आप प्रयोग करके देखिए। कान बड़ा है कि बड़ी है? बड़ा है। मुंह क्या है? मुंह जो है काला है कि काली है? अच्छा जो गोरा ले लो भाई, गुस्सा नहीं, ठीक है। मुंह गोरा है कि गोरी है? गोरा है, सीधी सी बात है, ठीक है। अंगूठा कटा कि कटी? कटा। नाखून बड़ा है कि बड़ी है? बड़ा है। तो सीधा सा प्रयोग करो यार, एक मिनट में प्रयोग करिए, फटाफट उत्तर निकालिए। लेकिन याद रखना मित्रों, इनमें जहां जहां अपवाद लिखा है बिल्कुल वहां वहां रोक लीजिएगा और रोक करके नोट कर लीजिएगा। जैसे हमारे शरीर के ये अंग हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से? कोहनी, कलाई, नाक, आंख, जीभ, ठूढ़ी, खाल, बांह, नस, हड्डी, कांख, इंद्रियां, ये सब के सब कैसे शब्द हैं? ये सब के सब ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये सब के सब क्या हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नंबर दो, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्न मतलब आप जान रहे हैं ना, जो है रत्नों के नाम, रत्न मतलब कि जो जैसे हीरा है, मोती है, ये सब रत्न है। तो रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, पन्ना, हीरा, मूंगा, नीलम, पुखराज। हाँ, नीलम का प्रयोग याद रखिएगा, नीलम हम अक्सर जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, जबकि नीलम पुलिंग है। तो एक इसको याद रखिएगा। मणि, अब इसमें तीन अपवाद हैं, मणि, चुन्नी और लाडली, ठीक। इसमें मणि एक याद रखिएगा बस। आइए चलते हैं अगले। धातुओं के नाम पुलिंग होते हैं, धातु मतलब आप समझ ही रहे हैं, धातुओं के, जैसे लोहा, सोना, तांबा, ये सब धातु हैं। तो जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, पीतल, टीन, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा प्रश्न है, चांदी क्या है? चांदी स्त्रीलिंग है। अच्छा, हम प्रयोग से जान सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, चांदी चमकी की चांदी चमका? चांदी चमकी ना, आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे सोना गिरा चांदी चमकी ना, तो चांदी स्त्रीलिंग है। आइए अगला देखते हैं, अनाजों के नाम पुलिंग होते हैं। अनाज जिनका हम खाते हैं, जो खाद्यान्न हमारे हैं, जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, मटर, चना, ये सब के सब क्या हैं? हमारे पुलिंग होते हैं। अब अपवाद कौन है? मकई, जुआर, मूंग, खेसारी, ये सब के सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा, मकई, जुआर, मूंग, खेसारी, ये सब के सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। आइए चलते हैं आगे। पेड़ों के नाम पुलिंग होते हैं, जो भी वृक्षों के नाम है ना, जो भी वृक्षों के नाम है वो सब के सब क्या होते हैं? पुलिंग होते हैं। जैसे पीपल, बड़, आम, कटहल, अशोक, अखरोट, सेब, ये सब पुलिंग है। प्रयोग करके देख लीजिएगा भाई, कटहल बढ़ता है कि बढ़ती है? बढ़ता है ना, सीधी सी बात है। तो इस तरह से जो है इनका प्रयोग करके देख लीजिएगा कि ये सब पुलिंग है। हाँ, इसमें अपवाद क्या है बेटे? लीची, नाशपाती और नारंगी, ये तीन क्या हैं? अपवाद हैं। लीची, नाशपाती और नारंगी, ये तीनों अपवाद हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुलिंग होते हैं। द्रव पदार्थ का मतलब है कि जो भी हमारे लिक्विड हैं
वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, शरबत, इत्र, रायता, काढ़ा, ये सब क्या है हमारे, पुल्लिंग हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाय, स्याही, शराब, ये तीन ऐसे द्रव पदार्थ हैं जो स्त्रीलिंग है, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम पुल्लिंग, भौगोलिक जल स्थल माने नदी, पर्वत, झील, झरना, घाटी, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें जैसे देश है, नगर है, द्वीप है, समुद्र है, वायुमंडल है, प्रांत है, प्रदेश बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है, देश बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है, नगर बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है ना, द्वीप जो है बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है, खुद ब खुद आप प्रयोग करके फटाफट देख लीजिए। इसमें याद रखिएगा तीन शब्द हैं, पृथ्वी, झील और घाटी, ये तीनों हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो मित्रों आपसे एक ही बात कहनी है, लिंग निर्णय का सबसे पहला आसान तरीका हमने आपको बता दिया, एक ऐसा जो भी शब्द पूछा जाए उसके साथ एक ऐसी क्रिया रखिए जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों बनता हो। अब आप प्रयोग करके तुरंत देख लीजिए कि पुल्लिंग वाला ज़्यादा सही है या स्त्रीलिंग वाला, जो सही है वही उसका लिंग है, नंबर एक। नंबर दो, हमने यहाँ हिंदी और संस्कृत के अपवादों को आपके सामने रख दिया। नंबर तीन पर हमने अप्राणीवाचक जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं उन्हें ले लिया और उन्हें लेकर के एक एक पॉइंट में पुल्लिंग को डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे, उर्दू के पुल्लिंग स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे और कुछ अंग्रेजी के पुल्लिंग स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे हटने पर एक बार आपको ये पूरा बोर्ड दिखाया जाएगा ताकि आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसे जो है पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।